मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मयंक इस चैनल पर्सनल ट्यूटर के थ्रू आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के रेगुलर अपडेट्स देते आया हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि लीनियर रेसेस से ही रिलेटेड है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत वेरी करते हैं, बट ये हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसके सारे वेराइटीज हम डिस्कस कर लें। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। एक बंदा है रमेश, उसकी जो स्पीड है वो है 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/3 दैट ऑफ स्पीड ऑफ महेश। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला एक रमेश बंदा है, उसकी जो स्पीड है वो है 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ महेश। अब क्वेश्चन ने हमें बोला कि महेश को एक हेड स्टार्ट मिला है, हेड स्टार्ट कितने का, 60 मीटर्स का हेड स्टार्ट। मैंने एक वीडियो में बताया था कि व्हाट इज हेड स्टार्ट, किसी को अपने आगे एक एडवांटेज देने का कि आप 60 मीटर आगे खड़े हो जाओ व्हेन रेस विल स्टार्ट। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक रमेश बंदा है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो है 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ महेश, और महेश को एक हेड स्टार्ट दे दिया है 60 मीटर्स का। और एट व्हाट डिस्टेंस विल दे मीट, मतलब जब रेस स्टार्ट हुई तो कितने डिस्टेंस पे ये दोनों मिलेंगे वापस। आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके एक बार अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। रमेश को हम R से डिनोट कर देंगे 1/3, और महेश को M से। महेश को हेड स्टार्ट मिला है 60 मीटर्स का, मीटिंग डिस्टेंस, मीटिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आते हैं। सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/3, इसको सॉल्व करते ये होता क्या है, 1/3 ये होता है 3 × 1 + 1, 3 + 1 / 3, 4/3। आई होप ये तो आता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1/3 मतलब 1 का पूरा पूरा और 1/3 पार्ट, तो 3 × 1 + 1/3 ये होता है 4/3। 4/3 क्या होता है कि एक पार्ट पूरा प्लस 1/3। ठीक है, तो 3 × 1 + 1/3, 4/3 जो हमारा ये हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो जो रमेश की वेलोसिटी है वो होगी 4/3 वेलोसिटी ऑफ महेश। ठीक है, महेश को हम नीचे लाएंगे तो रमेश अपॉन महेश की वेलोसिटी हो जाएगी 4/3। ठीक है, अब हम बहुत बार मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगाने की कोशिश करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेट्स सी, सबसे पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा था और पूछ क्या रहा था। एक बंदा है महेश, एक बंदा है रमेश, ठीक है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। महेश को एक जो क्रूशियल पॉइंट है ना क्वेश्चन का, महेश को हेड स्टार्ट दिया है, रमेश खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और महेश स्टार्टिंग पॉइंट से 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है महेश। ठीक है, उन दोनों का वेलोसिटी का रेशियो हमें मिल गया 4/3।
अब इस वेलोसिटी के रेशियो को देख के तो ये हमें साफ पता लग रहा है कि 4/3 मतलब रमेश की वेलोसिटी महेश की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तभी उसने हेड स्टार्ट दिया है। हेड स्टार्ट किन लोगों को देते हैं? कमजोर लोगों को, ठीक है। तो हेड स्टार्ट उसने महेश को दे दिया। अब किसी ने बोला स्टार्ट, तो महेश भी यहां से अपनी वेलोसिटी से भागने लगा और रमेश भी। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो दोनों किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हम इसको नॉर्मल मेथड, लॉजिकल मेथड से समझते हैं। ये जो रेशियो दिख रहा है ना, आर अपॉन एम, वेलोसिटी ऑफ रमेश अपॉन वेलोसिटी ऑफ महेश, इसको ध्यान से देखो, 4/3 रमेश महेश, इससे बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहां पर आके रुक जाएंगे कि इसके आगे क्या करूं, मुझे कोई इक्वेशन नहीं मिल रही, कुछ बन नहीं रहा है आगे। देखो ये वेलोसिटी, ये भी कुछ वेलोसिटी ही होगी। इसको अगर हम माने 4 मीटर पर सेकेंड रमेश, और इसको अगर हम माने महेश 3 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो रमेश 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और महेश 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि 1 सेकेंड में जो हमने दोनों का डिस्टेंस था बीच का 60 मीटर्स, उसमें से 1 मीटर, 1 मीटर कैसे आया, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में रमेश कवर करता है, कितने में से, 60 मीटर्स में से, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था स्टार्टिंग में। तो हमें पता करना है कि 60 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। 1 मीटर 1 सेकेंड में करता है तो 60 मीटर 60 सेकेंड में करेगा, सिंपल, ठीक है। हमें पता करना है कि कितने डिस्टेंस बाद ये मिलेंगे। तो हमने देखा रमेश 1 मीटर 60 मीटर में से, ऑफ 60 मीटर 1 सेकेंड में कवर करता है, ठीक है। तो 60 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में 60 मीटर कवर कर लेगा। और ये 60 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस कवर करने के लिए वो खुद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 4 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पता चलेगा। 4 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्यों, क्योंकि जब रमेश 4 मीटर भागता है तब रमेश और महेश के बीच में 1 मीटर कवर होता है, तो 60 मीटर जब कवर कर लेगा तो 4 × 60 होगा, ठीक है। तो हम रमेश का डिस्टेंस निकालते हैं जब वो महेश से इक्वल हो जाएगा, रमेश का डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 60। ये बहुत मेन फैक्टर है, इसलिए इसको एक और बार समझा देता हूं कि जब रमेश 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब महेश 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस 1 मीटर रमेश कम कर देगा। दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस क्वेश्चन ने हमें 60 मीटर्स दिया है, तो 60 मीटर कवर करने के लिए रमेश को 4 4 4 4 4 60 बार भागना पड़ेगा, तब दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर कवर होगा। तो हम वही निकाल रहे हैं, वो होगा 240 मीटर्स, ठीक है, वो होगा 240 मीटर्स। जब रमेश 240 मीटर्स कवर कर लेगा तब दोनों एक तो दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है 60 मीटर्स, महेश यहां था रमेश यहां था, ठीक है। स्टार्ट हुई रेस, महेश थोड़ा धीरे भाग रहा है, रमेश थोड़ा तेज भाग रहा है, दोनों 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 भागे, एक पॉइंट पे मिल गए। रमेश ने उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए 240 मीटर्स लिया है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि महेश कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम निकाल लेंगे, अगर रमेश ने 240 किया है और इसने 33 से किया है, इसको हेड स्टार्ट मिला था 60 का, ठीक है, तो 3 ×
60 कर देंगे तो महेश का डिस्टेंस आ जाएगा. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.